स्टूडेंट्स, वन ही एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9th हमारा हो चुका है, अब 10th सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन है इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए देन प्रूव दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी क्या है, ए है। सॉल्यूशन 10th क्या गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का क्या है, सबसेट। ठीक, तो अभी हमको जो कंडीशन गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए आपको बी को ए का सबसेट बनाना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ए यूनियन बी इस सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं ना। जब दो इक्वल होते हैं सेट्स, जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, तो इससे क्या समझ में आएगा, ए यूनियन बी सबसेट है ए का और ए भी सबसेट है ए यूनियन बी का। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। बाय डेफिनेशन ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये तो हमने कंडीशन देखी है। तो हमने क्या कहा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए है, तो ए यूनियन बी को क्या बना दिया, ए का सबसेट बना दिया। अब एलिमेंट को बिलोंग करवाते हैं। अब हमने कहा कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन। तो हमने ये बिलोंग करा दिया, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को भी तो बिलोंग करेगा, बिकॉज ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या है, ए है। तो एक्स इसको बिलोंग करेगा, ए को भी बिलोंग करेगा। अब देखिए, अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। हम देखा है ना कि जब ए यूनियन बी की कंडीशन होती है, या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। तो हमने कहा एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे और की कंडीशन है, तो कोई एक कंडीशन हम लोग मेंशन कर देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर क्या करना है हमको बताइए। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सेट बी क्या हो गया, सबसेट हो गया, क्योंकि एक्स क्या है, इसको बिलोंग कर रहा है ए को, दोनों को, ए को और बी को। तो बी क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है हमारे पास, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5 देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये हमको ये प्रूफ करना है, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम ए को 5 का सबसेट बना दें और 5 को ए का सबसेट बना दें तो ए इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। वैसे बी को 5 का सबसेट बना दें, 5 को बी का सबसेट बना दें तो बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सबसेट हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमको ये जो गिवन कंडीशन है, इफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। हमने कहा कि हमको गिवन क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 5, ये हमको गिवन है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी जो है किसका सबसेट है, 5 का, है ना, एंड 5 भी किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का। समझिए इधर ध्यान से, देखिए जब ये दो इक्वल होते हैं तो ए यूनियन बी 5 का सबसेट हो जाएगा एंड 5 किसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन बी का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग करवाते हैं ए यूनियन बी को, ठीक है, एक्स बिलोंग करवाते हैं ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी को हमने किसको बिलोंग करवाया, एक्स को बिलोंग करवाया। तो ये क्या कहेगा, देखिए ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है एक्स, तो 5 को भी बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू 5, एक्स बिलोंग्स टू 5 होगा ना, 5 होगा ना। तो अब यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग्स टू
बी दोनों में से किसी एक को बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, ये तो सेम ही रहेगा हमारे पास। अब यहां में यहां से हम एक वैल्यू ले लेते हैं बिकॉज और है, तो हम क्या ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव होगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए एक बार आपने ए ले लिया, अब दोबारा हम लोग क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं बिकॉज और की कंडीशन है, तो यहाँ पे हमने बी ले लिया, ये भी क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स बिलोंग्स टू फाइव, दोनों के लिए फाइव होगा ना। देखिए यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आ रही है, यहाँ से ये कंडीशन निकल के आ रही है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स फाइव को बिलोंग कर रहा है, यानी ए क्या है, फाइव का सबसेट है, और इधर क्या है, बी फाई का सबसेट है, इधर बी फाई का सबसेट है, ठीक है। ये कंडीशन निकल के आएगी ना कि ए किसका सबसेट हुआ, फाई का, और बी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए हुआ, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू फाई, तो ए को बिलोंग कर रहा है एलिमेंट और फाई को बिलोंग कर रहा है, यानी ए क्या बनेगा, फाई का सबसेट, और यहाँ पे बी क्या बनेगा, फाई का सबसेट। अब देखिए अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने ए सबसेट बना दिया फाई का और बी सबसेट बना दिया फाई का, अब हम अगर फाइव को सबसेट बना दें ए का और फाइव सबसेट बना दें बी का, तो ए इक्वल्स टू फाइव हो जाएगा और बी इक्वल्स टू फाइव यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको पता है जो फाइव होता है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, तो फाइव तो ए का सबसेट होगा ही, यानी फाइव क्या है, ए का सबसेट, और यहाँ पे आपने कंडीशन निकाली कि ए इज सबसेट ऑफ क्या, फाइव, ए इज सबसेट ऑफ फाइव, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आप एंड लगा दो तो ज़्यादा सही, ये क्या होगा बताइए, फाइव सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ फाइव, यानी ए इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। फिर क्या है, फाइव इज सबसेट ऑफ बी एंड यहाँ से बी इज सबसेट ऑफ फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू फाइव, यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ये, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था कि ए इक्वल्स टू फाइव एंड बी इक्वल्स टू क्या है, फाइव। आप चाहो तो इसको एलिमेंट्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ए के कुछ एलिमेंट्स ले लो 1 2 3, बी के कुछ एलिमेंट्स ले लो और उनका यूनियन क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए, तो आपको प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू फाइव और बी इक्वल्स टू फाइव। देखिए यूनियन में क्या होगा, फाइव तभी आएगा जब ये दोनों क्या हो, फाइव हो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक भी एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा तो यूनियन करोगे तो वो एलिमेंट ए यूनियन बी में शो करेगा, लेकिन दोनों में एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए तभी तो वो फाइव होंगे, तो ए भी फाइव होगा बी भी फाइव होगा। तो आप चाहो तो एलिमेंट्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, मेंशन कर दो बाय डेफिनेशन मेथड, जैसे हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या था, और आपको कॉन्सेप्ट देता है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक्स एक एलिमेंट बिलोंग करवा के। तो आप चाहो एलिमेंट्स भी ले सकते हो या फिर वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या है, फाइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ सी एंड बी इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ सी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ सी, इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी, ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए ए इज सबसेट ऑफ सी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले एक कंडीशन ले लेते हैं, यहाँ पे ये एंड है एंड, ठीक है, ये कंडीशन ले लेते हैं, हम फर्स्ट कंडीशन ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ सी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। तो हमने ये एज्यूम कर लिया
हमने एज्यूम कर लिया कि ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं x एलिमेंट को बिलोंग करवाता हूँ a को, ठीक है, अगर x एलिमेंट बिलोंग कराऊँ a को तो क्या होगा, देखिए x बिलोंग करेगा किसको, x बिलोंग करेगा c को, ठीक है, एंड x को बिलोंग कराऊँ b को, ठीक है, x को बिलोंग कराऊँ b को तो क्या होगा, b को बिलोंग कराऊँगा तो x किसको बिलोंग करेगा, c को बिलोंग करेगा फिर से, ठीक है, एक्स ए को बिलोंग कराऊँ तो एक्स सी को बिलोंग करेगा इस कंडीशन से, ठीक है, और अगर एक्स बी को बिलोंग कराऊँ तो एक्स सी को भी बिलोंग करेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। अब देखिए अब हम ये कंडीशन समझ गए, अब हम ये लेते हैं ए यूनियन बी। अब एक्स अगर ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये इसको आप चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर दो, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए इधर अगर x बिलोंग करता है किसको, a यूनियन x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो x किसको किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जब हमने कौन सा सेट पढ़ा था, जब हमने यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था तब हमने ये कंडीशन डिस्कस की थी। तो यहाँ पे a की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, आप a की जगह क्या लिख सकते हो, जब a को x बिलोंग कर रहा है तो वो c को भी तो बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू c, और b को कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो c को ही बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू c। अब ये दोनों सेम हैं तो आप इनको सिंगल लिख दो, x बिलोंग्स टू c, और यहाँ पे ये क्या था, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है। अगर x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि x c को भी बिलोंग कर रहा है, तो इससे क्या समझ में आया कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ c, a यूनियन b सबसेट ऑफ c, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ना, और ये इम्प्लाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू c है, तो a यूनियन b किसका सबसेट बन जाएगा, c का सबसेट बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कन्वर्सली क्या करेंगे हम लोग, अभी हमने कौन सी कंडीशन ली थी, ये दोनों कंडीशन ली थी, देखिए इफ़ एंड ओनली इफ के केस में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि दोनों कंडीशंस को लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को सबसेट बना लेंगे सी का, ए यूनियन बी को क्या बनाएंगे, सी का सबसेट। तो लिख लेते हैं अब हम एज्यूम कर लेते हैं, अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग एज्यूम करते हैं कि ए यूनियन बी क्या है, सबसेट है सी का, ए यूनियन बी सबसेट है सी का, तो ए यूनियन बी सी का सबसेट है, तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, सी को बिलोंग करेगा, सिंपल है, देखिए एक्स सी को बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to b, दोनों में से कोई एक कंडीशन, और यहाँ से x belongs to c, ठीक है, सिंपल है, देखिए अब क्या लिखे हम लोग, अब हम सिंगल एक मेंशन करते हैं एलिमेंट कि x a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, x a को बिलोंग कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x c को बिलोंग कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट हम लिखते हैं x किसको बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग कर रहा है, ये सेम होगा, x belongs to c होगा। अब देखिए इधर x belongs to a, ठीक है, x belongs to a, this implies x belongs to c, तो यहाँ से ये क्या समझ में आया कि a जो है c का सबसेट है, और इधर से क्या समझ में आया कि b c का सबसेट है, ठीक है, a किसका सबसेट हुआ, c का, ठीक है, और b किसका सबसेट हुआ, c का, तो ये आपस में क्या हो गया, a सबसेट हो गया c का और b सबसेट हो गया c का, तो इससे क्या समझ में आया, यही तो हमको यहाँ पे शो करना था कि a इज़, ये देखिए यहाँ पे
ए इज सबसेट ऑफ सी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यहाँ पर क्या हो गया शो हो गया, सिंगल कंडीशन में वहाँ पर मैंशन करके इसको क्या कर दिया शो कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि एक दूसरे क्या बन गया सबसेट बन गया। तो यहाँ से ए सबसेट ऑफ सी एंड बी सबसेट ऑफ सी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।